वेलकम टू महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। आज हम देखेंगे 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है फाइज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन है ना, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के लिए जरूरी क्यों है, तो ये हम इसका आंसर जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म बिकॉज, कह रहा है कि रिप्रोडक्शन हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है जो रिप्रोडक्शन है हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल फीचर है। फंडामेंटल मतलब कि जरूरी फीचर है, ठीक है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू सेल्फ। कहने का मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन है हमारा जरूरी फीचर है और एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके कारण हम क्या करते हैं, अपने जैसा ही संतान को उत्पन्न करते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूअस ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन ही क्या करता है, रिप्रोडक्शन के माध्यम से जो भी जीव है अर्थ पर वो कंटिन्यूटी बरकरार रखता है। जैसे कि ह्यूमन से, तो रिप्रोडक्शन के कारण ही ह्यूमन का अस्तित्व बना हुआ है। कोई भी जीव का अस्तित्व रिप्रोडक्शन पर ही बना हुआ होता है। इन द अब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि अगर रिप्रोडक्शन ना होगा तो स्पीसीज विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट फॉर ऑल टाइम एंड मे सून एक्सटिंक्ट। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, स्पीसीज लंबे समय तक एग्जिस्ट ना करेगा और जल्द ही वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब, मान ली जाए कोई जीव है, जीव का मतलब ह्यूमंस है, अगर हस्बैंड वाइफ रिप्रोडक्शन ना करेंगे तो उसका बच्चा नहीं होगा और बच्चा नहीं होगा तो वो परिवार वहीं तक सीमित रह जाएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही कोई एक खास जीव अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो क्या होगा, वो उसका अस्तित्व एक दिन पृथ्वी पर से उठ जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, जरूरी है। क्या क्या किस लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन ही हमें इस धरती पर अस्तित्व को बनाकर रखने में मदद करता है। अपना कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, जरूरी है। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर समझ में आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें।